हमारी ये जो शुरू से चल रहा था हमारे पास एक क्रड ऑपरेशन, ये जो 5 में हमने पढ़ा था कि भाई क्रड ऑपरेशन विथ रिएक्ट एंड एक्सप्रेस, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि सेम पेज पे आ जाए कि हम आज क्या करने लगे हैं। तो ये क्रड ऑपरेशन हुआ था रिएक्ट और एक्सप्रेस के साथ, जिसमें डेटाबेस शामिल नहीं था, एक्सप्रेस के सर्वर में वेरिएबल बना के हमने क्रड ऑपरेशन किया था। तो एक तो ये हो गया हमारा। अच्छा, दूसरा हमने फिर क्या किया था, उसी क्रड ऑपरेशन में जो एक्सप्रेस के सर्वर पे जो वेरिएबल था उसको हटा के हमने डेटाबेस इन्वॉल्व कर दिया था, तो वो मोंगोडीबी के साथ हो गया था वो क्रड ऑपरेशन। अच्छा, फिर इसी क्रड ऑपरेशन को हमने क्या कर दिया था, पीडब्ल्यूए में कन्वर्ट कर दिया था। यानी एक ऐसे एक स्क्रीन की ऐप थी ये सिंपल रिएक्ट की, जिसमें प्रोडक्ट ऐड रिमूव डिलीट ये हो रहा होता था, ठीक है। तो उसी एक पेज की एप्लीकेशन को हमने क्या बना दिया था, पीडब्ल्यूए बना दिया था, ठीक है, पीडब्ल्यूए क्रड ऑपरेशन। और पीडब्ल्यूए बनने के बाद उसका हमने एंड्रॉयड का एपीके फाइल और आईओएस का आईपीए फाइल दोनों हमने जनरेट करके देखा था, जो स्टोर में पब्लिश होने वाली जो फाइल्स थी। उसके अलावा वैसे भी ब्राउज़र में जब खुलता है तो इंस्टॉल का बटन आ जाता है, वो भी हमने देखा था कि वो किस तरह से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसी करंट ऑपरेशन के अंदर हमने ऑथेंटिकेशन ऐड किया था, यानी लॉग इन साइनअप ऐड कर दिया था कि भाई ये जो करंट ऑपरेशन है, पहले तो खुलता था, सामने आ जाती थी स्क्रीन और आप उसी से क्रिएट और डिलीट कर रहे होते थे। उसके बाद हमने क्या लगा लिया, JWT इसमें लगाया, एक लॉग इन और साइनअप की API इसमें ऐड की कि भाई जब बंदा इस ऐप को खोलेगा तो सामने उसको क्या दिखेगा, लॉग इन और साइनअप का पेज दिखेगा। वंस वो सही क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन कर लेता है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट को ऐड और रिमूव कर सकता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट को ऐड और रिमूव वाला पेज उसको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया था। अच्छा, JWT करने के बाद हमें ये JWT इस फोल्डर में कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने ये रियलाइज़ किया कि अच्छा यार, लॉगिन और साइनअप तो हो रहा है, मतलब जैसे वंस बंदे ने लॉगिन का बटन दबाया तो वो लॉगिन हो गया, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा सेंट्रल डेटा स्टोर चाहिए कि भाई जब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ तो इस लॉगिन उस स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, लेकिन उस लॉगिन का डेटा मुझे दूसरे कंपोनेंट्स में भी चाहिए होता है, तो मैं वो काम कैसे करूँ। तो मैंने क्या किया, फिर रिएक्ट का एक कॉन्टेक्स्ट API के नाम से जो डेटा स्टोर बनाने का तरीका है वो हमने एक्सप्लोर किया। यार एक दूसरे को देख देख के हंसने की ज़रूरत नहीं है, इधर तवज्जो दो। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट API के जरिए हमने एक डेटा स्टोर तरतीब दिया, और फिर हम उसके बाद क्या करते थे कि जैसे ही बंदा लॉगिन होता था, हमने एक इज लॉगिन और भी कुछ इसके अलावा डिटेल जो भी हमें चाहिए वो हमने डेटा स्टोर में सेव करवा दी। डेटा स्टोर एक ऐसा स्टेट वेरिएबल है काइंड ऑफ के, जो हमारे पास हर कंपोनेंट का अपना स्टेट वेरिएबल होता है, और ये एक ऐसा स्टेट वेरिएबल है जो तमाम कंपोनेंट के टॉप पे पड़ा था, और मेरी ऐप में जितने भी कंपोनेंट हैं वहाँ पे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास मेरी ऐप में सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट हो। अभी जो हमने ये बनाया था, इसमें जो हमने डेटा स्टोर सेटअप किया था, इसमें मेरी पूरी ऐप के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट था जो कि बिल्कुल टॉप पे बना हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि मेरी ऐप में सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट हो, एक से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर 200 कंपोनेंट्स हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 20 कंपोनेंट अलग करके उनका कॉन्टेक्स्ट अलग बना दें, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इन 20 कंपोनेंट्स का हो, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही डेटा स्टोर को बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा करते चले जाएँ, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारी ऐप स्लो डाउन हो सकती है अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम इम्प्रूवमेंट्स करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और हम नया फोल्डर नहीं बना रहे, हम इसी फोल्डर में ही आज काम करेंगे जो रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट API है, क्योंकि हमारे पास जैसे ही डेटा स्टोर सेटअप हो गया था ना, तो डेटा स्टोर सेटअप होने के बाद हमारे पास कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आई होगी आपके पास। अगर आपने इतना काम किया है अपने हाथ से तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, और उन प्रॉब्लम्स को आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, और इतने कोड को हम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करेंगे, बिल्कुल सेट करेंगे हर तरीके से, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद की कहानी हम शुरू करेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ देखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको मैं रन कर लेता हूँ। इसको रन करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, अच्छा इसी में ही मौजूद हूँ मैं, तो NPM रन डेव करूँगा ताकि ये सर्वर मेरा रन हो जाए। ओके, अच्छा मैंने क्या किया था असल में, नॉट JS को ना डाउनग्रेड कर दिया था अपने पास, तो मैं नॉट मॉन चला देता हूँ, नॉट मॉन, ठीक है। नॉट JS को मैंने डाउनग्रेड किया था, इसकी वजह से ये NPM रन डेव जो है ना वो काम नहीं कर रहा,
ठीक है। अच्छा कमेंट नहीं हो सकता इसमें ना, ठीक है नॉट बॉन कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इसको, ठीक है। तो मैंने नॉट बॉन पे सर्वर को चला दिया। अच्छा डाउनग्रेड करने का रीज़न ये था कि कुछ ऐप्स में ना कुछ ये बग्स दे रहा था जो 18 वाले ना नया वाला नॉट जेएस, तो इसलिए मैंने डाउनग्रेड किया था। अभी हमारे पास टाइम नहीं है इनफ कि मैं दोबारा से 18 वाला इंस्टॉल करूँ, अदरवाइज मैं उसको दोबारा इंस्टॉल कर लेता, ठीक है। और मैंने कहा कि npm run npm start, कौन सी ऐप खुली हुई है, सही ऐप सही मेरी खुली हुई है। ठीक है जी। तो मेरे पास क्या होता है कि जब मैं इसको MTK से हार्ड रीलोड करता हूँ तो एक लोडर दिखता है कुछ लम्हों के लिए और वो वापस मेरे को डैशबोर्ड पे लेकर आ जाता है। अच्छा, और मैं जब लॉगआउट का बटन दबाता हूँ तो उस पर मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया हुआ, शायद जब ही लॉगआउट का बटन काम नहीं कर रहा है मेरे पास। अच्छा एक मिनट, लॉगआउट के बटन पे अभी कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, लॉगआउट के बटन को अपने फंक्शनल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा तो आ जाते हैं हम अपने वेब में और app.jsx के अंदर मेरे पास नेविगेशन जो बनी हुई है पूरी वो app.jsx के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा लॉगआउट का बटन है जिसमें क्या इस वक्त लिखा हुआ है, लॉगआउट हैंडलर, ये फंक्शन है जो इस बटन के क्लिक के ऊपर चलता है। तो इस फंक्शन के अंदर चलता हूँ, इस फंक्शन में कुछ भी नहीं है, खाली है ये फंक्शन। अच्छा मैंने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर मैं दो काम कर सकता हूँ। नंबर एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ब्राउज़र से क्या करूँ, कुकीज़ को डिलीट कर दूँ और दैट्स इट, सर्वर पे जाए बगैर भी मैं लॉगआउट कर सकता हूँ। अच्छा जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोड मौजूद है मेरे पास जो क्या करवा दे, ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ में जितना भी कुछ मौजूद है सब ख़त्म करवा सकता हूँ मैं यहाँ पे खड़े होकर, ठीक है। बावजूद इसके कि वो एक्सेसिबल नहीं है लेकिन मैं डिलीट ज़रूर करवा सकता हूँ। अच्छा दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं ये API रिक्वेस्ट लगाऊँ, ठीक है। API की जो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने सर्वर पे एक लॉगआउट की API बना के रखी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड लॉगआउट, सही है। और इस पर मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट करूँगा, लॉगआउट की रिक्वेस्ट जो है पोस्ट की होगी ऑब्वियसली, ठीक है। किसी का इस पर कोई एतराज़ कि नहीं पोस्ट की क्यों होगी या कोई ओपिनियन। अच्छा जैसे ही इसका जो जवाब है इस API का अगर वो सक्सेसफुल आता है तो मैं यहाँ पे क्या कॉल करूँगा, यूज़र लॉगआउट कॉल करूँगा, ठीक है लॉगआउट। और अगर इसके अंदर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो एरर आने की सूरत में मैं कुछ भी नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, ठीक है, कोई लॉग आउट कोई लॉग इन कुछ भी कॉल नहीं करूँगा। अच्छा लॉग आउट जब होता है यूज़र, तो इस लॉग आउट होने की सूरत में जो मेरा नेविगेशन सिस्टम है, जो मेरा ऑथ गार्ड लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक हरकत में आ जाएगा, ऐसा ही है। मतलब जब मैं यूज़र को लॉग आउट करता हूँ यहाँ से डिस्पैच करके, तो डेटा स्टोर में जो इज लॉग इन है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। इज लॉग इन फॉल्स होते ही जो मेरे पास नीचे यहाँ पे ये सिस्टम बना हुआ है पूरा का पूरा, ये क्या कर देगा, ये इज लॉग आउट इज लॉग इन फॉल्स वाली चीज़ दिखा देगा ना, नेविगेशन बार ठप करके चेंज हो जाएगा। और जो नीचे जो चीज़ है इज लॉग इन फॉल्स वाले राउट्स, ये इनेबल हो जाएंगे। स्लैश के पाथ के ऊपर क्या दिख जाएगा मुझे, पहले जो डैशबोर्ड था अब वो लॉग इन दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी जैसे ही मैं यहाँ से डिस्पैच करूँगा कि भाई यूज़र मेरा क्या हो गया, लॉग आउट हो गया, ठीक है। तो मैं पहले तो लॉगआउट का बटन फंक्शनल बना लेता हूँ अपने जल्दी से। अच्छा रिस्पांस जो भी आएगा मैं उसको यहाँ कंसोल करवा लूँगा। अच्छा ये लॉगआउट का जो मेरे रिक्वेस्ट है यहाँ से, उसकी भी जो रिक्वेस्ट है वो विद क्रेडेंशियल ट्रू करके लेके जाऊँगा मैं यहाँ से, ठीक है।
अदरवाइज मैं वहाँ से रिमूव करूँगा, होगी नहीं, ऐसा हो सकता है आई थिंक अभी। बल्कि टेस्ट करते हैं कि अगर मैं ट्रू नया लगाऊँ तो भी क्या ये उसको समझ आएगा कि कुकीज़ उड़ानी है। वेल ये सिंक नहीं किया मैंने उसको, अब क्या हुआ ये सिंक कर तो दिया ये ना। हाँ अच्छा चल गया, खुद ही चल गया। लाइन नंबर 2442 पे बेस यूआरएल नहीं मिल रहा इसको, लाइन नंबर 24 पे। अच्छा ये जो बेस यूआरएल है ना, बाय द वे अब ये मेरा बेस यूआरएल कहाँ हुआ करेगा? ये डेटा ये मैंने असल में यहाँ रखा हुआ ना अंदर इसको, तो उसको वहाँ मिल ही नहीं रहा बेचारे को, तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा या मे भी मुझे इस जगह पे बनाना पड़े टॉप पे, ठीक है, बेस यूआरएल, ताकि वो सब जगहों पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, बाय द वे अब मेरा ये बेस यूआरएल यहाँ नहीं रहेगा, मेरा बेस यूआरएल ये डेटा स्टोर में होगा मेरे, ताकि वहाँ से मैं पूरे ऐप में कहीं पे भी लिखूँ ना स्टेट डॉट बेस यूआरएल, वो भी हम करेंगे आज, सही है, तो मुझे वो बेस यूआरएल मिलता रहे। अच्छा बेस यूआरएल मेरा कंडीशनल होगा, जो हम एक दफ़ा बहुत पहले हम ये काम कर चुके हैं कि बेस यूआरएल को हमने कंडीशनल बनाया था कि भाई लोकल होस्ट 5001 पे चल रहा है अगर, तो बेस यूआरएल क्या हो मेरा लोकल होस्ट वाला, और अगर लोकल होस्ट नहीं चल रहा कुछ और चल रहा है यानी HTTPS चल रहा है अगर, तो फिर मेरा साइक्लिक का जो है वो URL हो उसके अंदर। तो इससे इससे होगा क्या, बहुत सारे लोगों के पास जैसे प्रॉब्लम आ रही थी कि लोकल क्लाउड पे जाने के बाद भी वो लोकल API हिट कर रहा था, वो नहीं होगा। तो ये हमने लॉगआउट के बटन को थोड़ा फंक्शनल बनाने की कोशिश जारी है हमारी, ठीक है जी। और इस कोशिश में हमने क्या किया, पहले तो लॉगिन किया, और जैसे ही हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टोकन शो हो जाना चाहिए, ये हमारे पास टोकन क्या हो चुका है, शो हो चुका है यहाँ पर JWT का टोकन। अच्छा हमने फिर क्या बटन दबाया, नेटवर्क में जाके ये हमने लॉगआउट का बटन प्रेस किया। जैसे ही लॉगआउट का बटन प्रेस किया हमने, तो देखो एक रिक्वेस्ट लगी थी यहाँ पर, इस रिक्वेस्ट में क्या हो रहा था अगर मैं आपको दिखाऊँ, localhost 5001/logout और इसके साथ कुकीज़ आई हैं। देखो क्या कुकीज़ आई हैं यहाँ पे, कि टोकन को सेट करो किस पे, आगे एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम एज इसकी ज़ीरो हो और HTTP ओनली हो, ये वाला ठीक हो गया, और एक्सपायरी की डेट अभी से एक सेकंड बाद की डेट है 16:55, ठीक है, अभी 16:56 हो रहे हैं, तो अभी से एक सेकंड बाद की डेट एक्सपायरी है जो भी था। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चेक करूँगा तो मेरी कुकीज़ क्या हो जानी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है, ओए कुकीज़ तो यहीं पड़ी हुई है अभी तक, इसका मतलब है मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये वहीं खड़ा रहेगा है, ऐसा है क्या, ये तो वहीं खड़ा हुआ। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को आइडिया? एक दफ़ा मैं कुकीज़ को हाथ से उड़ाता हूँ यहाँ से, और एक दफ़ा इस चीज़ को और हम रिप्रोड्यूस करते हैं, एक दफ़ा और हम क्या करते हैं इस चीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं। लॉगिन कर लिया, यहाँ पे टोकन शो हो गया, टोकन यहाँ पे आ चुका है, अब हम क्या करते हैं इसको लॉगआउट करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। लॉगआउट किया, लॉगआउट की रिक्वेस्ट जो गई थी वो बिल्कुल सही गई थी, और जो रिस्पॉन्स आया है वो भी बिल्कुल सही आया है रिस्पॉन्स, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास से टोकन गायब नहीं हुआ। देख लेते हैं आपकी बार गायब हुआ है कि नहीं हुआ, टोकन गायब नहीं हुआ मेरे पास से, ऐसा किस वजह से हो रहा है कौन बता सकता है? ऐसा इस वजह से हो रहा है कि इस वक्त हम क्रॉस साइट पे खड़े हैं, हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, क्रॉस साइट पे खड़े हुए हैं, हम लोकल होस्ट 3000 पे खड़े हुए हैं, जबकि मेरा सर्वर कहाँ पर है, लोकल होस्ट 5001 पे। तो मुझे अपने सर्वर पे जाके ये चेक करना होगा कि आया कि क्रॉस साइट के लिए मेरे सर्वर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही हुई भी है या गलत हुई भी, ठीक है। अच्छा क्रॉस साइट की पहली कॉन्फ़िगरेशन तो ये है ना लोकल होस्ट 3000, ये तो सही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जब हम लॉगिन पे कुकीज़ बनाकर भेजेंगे जब,
क्रॉस साइट में, अभी क्रॉस साइट में जब हम लॉग इन करते होंगे ना तो एक एरर भी आता होगा, जब अभी जब हम लॉग इन करेंगे ना इसको तो एक एरर आता होगा यहाँ पे। इसको मैं हाथ से डिलीट करता हूँ ज़रा कुकी को, एक एरर आना चाहिए क्रॉस साइट के ऊपर। ठीक है, अच्छा मुझे ना पी डब्ल्यू एस का थोड़ी देर के लिए रिमूव करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है पी डब्ल्यू ए रिमूव करने का कि हमारे पास जो उसको ना वो बार बार केशे कर रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है डेवलपमेंट के दौरान, तो मैंने ना इसको पी डब्ल्यू ए इसका ख़त्म कर दिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सब लोग इसको देख लेंगे ये कैसे किया है, फिर बाद में कोई ये ना बोले कि सर ये क्या किया अपना। सही है, काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है वो जो हमारा पी डब्ल्यू ए का जो सर्विस वर्कर है। अच्छा मैंने पूरी फाइल डिलीट कर दी है, मुझे ये नहीं करना था एक्चुअली, फाइल के अंदर का कंटेंट मैंने डिलीट करवा दिया। सही है, पूरी फाइल डिलीट करने से वो बहुत सारे एरर प्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल। ठीक हो गया, मैंने वो सिर्फ फाइल के अंदर का कंटेंट रिमूव किया जो कि मैं बाद में अंडू कर दूंगा उसको। अच्छा ठीक है, तो वो टोकन मेरे पास गायब है। अच्छा अभी जब मैं यहाँ पर लॉग इन करूँगा ना तो मेरे पास एक एरर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं वो एरर आता है कि नहीं आता। ये जो लॉगिन हुआ है मेरे पास, अरे यार नहीं आ रहा, ये क्या बकवास है, यहाँ पे एक छोटी सी डिबरी बनी हुई आनी चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने ना वो क्रॉस साइट लैक्स हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, क्रॉस साइट लैक्स हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ये उसमें एरर लिखा हुआ आना चाहिए। अच्छा टोकन तो बहरहाल सेव हो गया लॉगिन करने के बाद। अच्छा अगर मैं इसको लॉगआउट करूँ अब, तो लॉगआउट में भी टोकन तो सही आया सर्वर से, और यहाँ से कुकीज लेकिन गायब नहीं हुई यार, ये क्या बकवास है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है ये मैंने वन जो लिखा हुआ इसकी वजह से हो रही है, यहाँ पे मैंने लॉगआउट पे वन कर दिया था ना मैसेज। ये मैक्स एज जो है ये नंबर सेकंड में होता है या मिली सेकंड में होता है, जीरो कर देता हूँ उसको मैं। नहीं डिलीट हो रहा है। वेल जब आप क्रॉस साइट पे होते हैं ना तो आपको ये एक एरर इसको देना चाहिए, अब ये क्यों नहीं दे रहा आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे आपको एक लगाना पड़ता है कि भाई क्या था वो सेम साइट, यस सेम साइट आपको लगाना पड़ता है कि सेम साइट है या क्या है, तो मैं बोलूँगा कि सेम साइट फॉल्स। ठीक है, क्योंकि मेरा सेम साइट नहीं है अभी, लोकल उस 3000 से जा रहा हूँ, सेम साइट नहीं है। और दूसरा मैं क्या लिखूँगा, सिक्योर और ट्रू। सही है, सिक्योर ट्रू रखा है मैंने, मैं सेम साइट पे नहीं हूँ अभी लेकिन स्टिल मैं क्या हूँ, सिक्योर ट्रू हूँ मैं। अच्छा, और यही सेम कॉन्फ़िगरेशन मैं लॉग आउट करते हुए भी लगाऊंगा ऑब्वियसली। सही है, यही सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। अच्छा जब मैं सेम साइट पे होऊंगा कि मेरा सर्वर भी साइक्लिक पे और मैं होस्ट भी साइक्लिक पे किया हुआ मैंने फ्रंट एंड, तो फिर मैं इसको ट्रू रखूँगा। अच्छा अब मैं इसको अगेन क्या करता हूँ, सिमुलेट करके देखता हूँ एंड आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं वर्क कर रहा। लॉगिन पे आ गया, यार ये पी डब्ल्यू ए के कितने सर्विस वर्कर रजिस्टर हो चुके हैं। कितने सारे सर्विस वर्कर रजिस्टर हो चुके हैं यार, अनरजिस्टर हो ही नहीं रहे।
पकड़ के बैठ गया, इसको ये अनरजिस्टर ही नहीं करने दे रहा। मैं एक मिनट सर्विस वर्कर को ना यहाँ से भी हटा देता हूँ। ये जो मेरा HTML का पेज है ना, यहाँ पे जो ये sw.js जहाँ अटैच हुआ है, मैं इस स्क्रिप्ट को ही रोक देता हूँ। इस स्क्रिप्ट को रोक दिया मैंने ताकि ये इसको अटैच ही ना करे सर्विस वर्कर को। लास्ट टाइम हमने ये नोटिस किया था कि वो PWA जो है ना, वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहा था। तो हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए उसको रोक दिया PWA को, कि वंस हम क्या करेंगे, जब अपनी ऐप को कम्प्लीटली स्ट्रीमलाइन कर लेंगे तो फिर हम PWA को दोबारा से इनेबल करके देखेंगे कि अभी हो सकता है हमने PWA की कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम की हो। ठीक है जी, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इस वक्त ये लॉगआउट स्टेट में और हमने इसको लॉगिन क्लिक किया तो ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, नेटवर्क में जाके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं दिया इसने लॉगिन करते हुए। सही है, इसने कोई एरर नहीं दिया है और इसको वो बात पता भी नहीं चली है भाई दर कि वो सेम साइट और वो इसको यहाँ पता नहीं चला। सेम साइट में क्या नन होता है? एक मिनट ना, सेट कुकी देख लेते हैं हम एक्सप्रेस का। सेट्स कुकी एक्सप्रेस, हाँ ये रहा। सेम साइट के जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो क्या है हमारे पास, दिस कैन बी स्ट्रिक्ट, लैक्स और नन है। सही है, ट्रू विच इज इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट, तो हम इसको नन करेंगे एक्चुअली। सही है, सेम साइट नहीं है ये। अ बूलियन स्ट्रिंग दैट इंडिकेट्स वेदर द कुकी इज अ सेम साइट कुकी। सही है, तो हम इसको नन करेंगे एक्चुअली। ठीक है, फॉल्स नहीं करेंगे, नन करेंगे। आते हैं सर्वर पे और उसको हम क्या कर देते हैं, सेम साइट को नन कर देते हैं और सिक्योर जो है उसको क्या चाहिए होता है भाई, सिक्योर इज अ बूलियन दिस इंडिकेटिंग वेदर द कुकी इज ओनली टू बी सेंट ओवर HTTPS। फॉल्स होता है ये बाई डिफॉल्ट और ट्रू बाई डिफॉल्ट फॉर HTTPS। ठीक है, तो हमारा ट्रू है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे केस में ट्रू है, हमारे पास ये खुला हुआ किस पे है, HTTPS पे खुला हुआ है ना। थोड़े यार, जब भी तो मसला कर रहे हैं, ये HTTPS पे नहीं खुला हुआ, ये HTTP पे खुला हुआ है। अब इसको S पे कैसे खोला जाए, इसको HTTPS पे कैसे खोला जाए, HTTPS पे तो खुल ही नहीं रहा। Using HTTPS for development. हाँ, ऐसे करके करेंगे हम तो ये क्या करेगा, ऐसे करके करना पड़ेगा तो फिर ये क्या करेगा, इसको HTTPS पे रन करेगा। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, अभी से जो पहले से चल रहा था, और मैं HTTPS equals true और NPM start कर रहा हूँ ताकि ये इसको HTTPS पे चलाए, क्योंकि हमें सिमुलेशन करनी है ना वो वाली। अच्छा, ये इस पर सेफ्टी का एरर दिया है इसने, लेकिन कोई मसला नहीं, हमें तो सिमुलेशन करनी है। नॉट सिक्योर, ठीक है जी, रिफ्रेश किया हमने इसको, हम HTTPS पे करके सिमुलेशन कर रहे हैं इसकी।
और लॉगिन में मुझे अभी पासवर्ड नहीं बता रहा है वो वाला, क्या रखा था हमने पासवर्ड, 1 2 3 4 5 क्या था, 1 2 3 4 रखा था। क्या रखा था, 1 2 3 4 5 6 ABC क्या रखा था पासवर्ड हमने, अच्छा पता नहीं यार, नया अकाउंट बना लेते हैं। abc@abc.com 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 साइन। ओके एक्चुअली यस यू आर राइट, बट ये सही तो दे रहा है, रिक्वेस्ट तो सही जगह भेज रहा है ये। अच्छा ये असल में हो रहा ही है कि मैंने सर्वर पे जो क्रॉस साइट कॉन्फ़िगर किया है ना वो HTTP से किया है। मुझे HTTP, ये देखो बेस URL है ना यहाँ पे ये वाला, मुझे एक और ये ऐड करना होगा कि HTTPS से भी आ सकती है रिक्वेस्ट, ये क्रॉस ऑरिजिन का एरर दे रहा है। सही है, अब ये सही चलना चाहिए, अब सही चला ये, सही है, क्योंकि अब की बार मैंने फ्रंट एंड को HTTPS पे खोला है ना, और क्रॉस साइट है ये, क्योंकि ये अलग URL है वो अलग URL है, तो यहाँ से जब मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो सर्वर पे मुझे बताना पड़ेगा कि HTTPS से अब आएगी रिक्वेस्ट। तो ये भाई साइनअप कर लिया हमने abc@abc और 1 2 3 4, अब इस पर लॉग इन करते हैं abc@abc 1 2 3 4 लॉग इन। अच्छा अब की बार इसने ये बनाकर भेजा है मुझे डिब्री, यही तो मुझे चाहिए था कि ये क्यों नहीं दे रहा था। अच्छा भाई क्या बता रहा है ये कि सेम साइट एट्रीब्यूट्स वर डिफॉल्टेड टू, अबे दिया तो है सेम साइट इसको हमने, ये क्या बकवास है यार। अच्छा ये मेरे समझ आ गया, ये सेम साइट हमने जिस तरह दिया है ना उस तरह नहीं दिया जाता, देख रहे हो छोटी छोटी कितनी डिटेल्स हैं। ये अभी मेरे याद आ गया है कैसे दिया जाता है, अभी अभी याद आया मुझे, ये सही है ये। अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, ये क्या सीन है यार, अभी तो यहाँ लगाया था उन्होंने, ये तीन जगहों पे लगा हुआ है टोटल, तीन जगहों पे कैसे लगा हुआ है यार। सबसे पहला तो लॉग आउट है उसमें लगा हुआ है, नंबर दो कौन सा है ये, अच्छा JWT जहाँ पे वेरीफाई होता है वहाँ पे भी मैंने ये बात लगाई हुई। अच्छा ये मैंने कहाँ पे लगाई हुई है भला, कि अगर उसका एक्सपायर हुआ है ना टोकन तो उस टोकन को खाली करवाया हुआ मैंने यहाँ, ठीक हो गया जी, सही है। तो सेम साइड नन सिक्योर फॉल्स, मगर ये इस तरह नहीं दिया जाता शायद, अभी मुझे हल्का हल्का याद पड़ रहा है कि ये कैसे दिया जाता है। वेल लेट्स ट्राई इट अगेन, अच्छा लॉग आउट करने से इस बार टोकन गायब हो गया। सही है, लॉग आउट करने से टोकन गायब हो गया। लॉगिन, अब की बार वो वाली डिब्री मुझे यार दिखा रहा है अभी भी, ये क्या बकवास है। अच्छा अब की बार ये क्या कह रहा है कि सेट कुकी वाया हेडर वाज ब्लॉक बिकॉज सेम साइट नन एट्रीब्यूट डिड नॉट हैव द सिक्योर एट्रीब्यूट विच इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा सेम साइट नन तो इसको मिल गया, स्क्रीन गई है,
सेम साइड नन तो इसको यहाँ से मिल गया, वो नहीं मिला इसको। अरे यार सेम साइड नन इसको पता चल गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और सिक्योर इसको नहीं पता चला। दिस अटेम्प्ट टू सेट अ कुकी वाया सेट कुकी हेडर वाज ब्लॉक बिकॉज इट हैड सेम साइड नन एट्रीब्यूट बट डिड नॉट हैव द सिक्योर एट्रीब्यूट विच इज रिक्वायर्ड। अच्छा सिक्योर एट्रीब्यूट हमने तो दिया है वहाँ से लॉग इन पर, यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? सिक्योर ट्रू, अरे सिक्योर ट्रू होता है ना, फॉल्स क्यों किया हुआ मैंने उसको? सिक्योर तो ट्रू होता है, हाँ सिक्योर तो सब जगह ट्रू है, इसको मैंने फॉल्स क्यों किया हुआ था बिला वजह? अच्छा ठीक है, कुकी क्योंकि सेट हुई नहीं थी तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट ही है अभी तक। लॉगिन ठीक है, अब की बार नहीं आया ये सिक्योर, इसको पता चल गया कि सिक्योर है। ठीक है तो ये कुकी सेट हो गई मेरी सिक्योर होने होते ही, यहाँ पर आके देखूँगा मैं तो कुकी सेट हो चुकी होगी। ठीक है कुकी सेट हो गई है, और अब मैं जैसे ही लॉग आउट का बटन प्रेस करूँगा तो ये कुकी क्या हो जानी चाहिए? गायब हो जानी चाहिए। और अबे यार नहीं हुई गायब, ये क्या बकवास है? देखते हैं अब ज़रा यहाँ पर क्या हुआ है। सिक्योर भी है, सेम साइड भी है, सब कुछ है। उनतीस दिसंबर एंड दिस अभी 28 दिसंबर है, इसमें जो एक्सपायरी सेट है वो 19 दिसंबर की सेट है, 29 दिसंबर की, मतलब 10:14। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट कुकी जो है वो चला नहीं है सही तरह जिस तरह उसको चलना चाहिए। अगर मैं दोबारा लॉग आउट प्रेस करूं टोकन की स्पेलिंग भी सही है, HTTP ओनली सिक्योर सेम साइट नन दैट्स इट। ये कौन सा सीन है यार, अच्छा अगर मैं लॉग आउट के अंदर आके बजाय ये करने के, बजाय मैं इसको टोकन को खाली करवाने के, मैं इसमें कुछ दूसरा टेक्स्ट रखवा दूँ ऐसे करके, और इसका मैं बोलूँगा यार मैक्स एज इसका भी क्या कर दूँ, मैक्स एज को हटा दूँ। ठीक है अगर मैं कुछ और भी रखवा दूँ टोकन की जगह, तो टोकन तो नहीं है वो, तो ऑटोमेटिकली वो उसको इन क्या बोलते हैं उसको, इसको इनवैलिड समझेगा वो। तो अब की बार ज़रा देखते हैं क्या सीन है। बीच में यार वो सही हो गया था अचानक से, अभी पता नहीं कैसे हो गया, गायब हो गया। ठीक है टोकन अभी यहाँ मौजूद है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये लॉग इन कंसिडर कर रहा है, और अब मैं लॉग आउट का बटन जैसे ही प्रेस करता हूँ तो अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ उसको, टोकन यार अपनी भी अपनी जगह, ये क्या बकवास है। यहाँ से टोकन आया है बिल्कुल सही आया है, और सेम साइड नन भी लाया है, सिक्योर भी लाया है, HTTP ओनली भी लाया है। ये कौन सा सीन है यार,
रिस्पॉन्स डॉट कुकी रिस्पॉन्स डॉट सेंड, बिल्कुल सही तो है सब कुछ यार। यहाँ पे जो मैं कुकी सेंड करता हूँ और मैं वहाँ पे जो कुकी सेंड कर रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है? कुछ भी तो नहीं है। तो एक जगह काम कर रही है दूसरी जगह काम नहीं कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं इस वाले को कमेंट करके मैं एग्जैक्टली सेम कुकी भेज दूँ जो मैं लॉगिन पे भेजता हूँ बट विद अ इनवैलिड टोकन, तो क्या इसको काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो करके देखते हैं कि वाकई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नॉर्डमॉन मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। हाँ नॉर्डमॉन बिल्कुल सही काम कर रहा है। लॉगआउट का बटन मैंने अगेन प्रेस किया, कुकी आई है यहाँ पे, सेट भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, यहाँ पे अपडेट हो गई कुकी। अरे नहीं अपडेट हुई यार, ये क्या सीन है यार? एक दफ़ा मैं उसको हाथ से रिमूव करके और उसके बाद अगेन ट्राई करता हूँ। देखना चाह रहा हूँ सही है। लॉग इन करता हूँ तो इस तरह का कुकी जाती है और अब मैं जब लॉग आउट करता हूँ तो किस तरह की कुकी जाती है। इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। सेज सेम है, पाथ सेम है, एक्सपायर्स जो है वो भी सेम है, काइंड ऑफ बिल्कुल सेम है यार। रिप्लेस करना चाहिए उसको सुनो। नहीं कुकी रिमूव करके लॉगआउट का बटन दबाओ तो फिर तो मकसद ही फौत हो गया ना उसका। वो बटन के प्रेस होने से ही लॉगआउट हो जाना चाहिए खुद ही, ये बात है। बटन के प्रेस होने से जब ये वाला रिस्पॉन्स जब जाए ना तो उसको लॉगआउट हो जाना चाहिए, ये चक्कर है। और वो खुद से लॉगआउट नहीं हो रही है तो ये एक जो है ना वो अच्छा। मैं काम करता हूँ इसको ज़रा, जो मैंने HTTPS पे रन किया था ना, HTTPS से हटा के इसको नॉर्मल तरीके से रन करता हूँ और वहाँ पे हम इसका बिहेवियर चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या ये सही बिहेवियर है इसका या नहीं है। क्योंकि मे बी हम जो HTTPS वाला चला रहे हैं ना उसमें क्योंकि सर्टिफिकेट तो है नहीं, वो बार बार कह रहे हैं कि नॉट ऑथराइज नॉट ऑथराइज, तो मे बी उसकी वजह से वो कोई गड़बड़ कर रहा हो। तो यहाँ से ज़रा एक दफ़ा हम करके देखते हैं, जो क्रॉस साइट जो प्रॉपर क्रॉस साइट है हमारा उससे हम करके देखते हैं। ये सेट हो गया हमारा टोकन,
हमारा टोकन यहाँ सेट हो गया, टोकन बिल्कुल बेहतरीन सेट हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको लॉगआउट का बटन दबाऊँगा। लॉगआउट में भी वही रिस्पॉन्स आया है इस बार भी जो आना चाहिए वहाँ से। और क्या इस बार कुकी गायब हुई है? कुकी गायब नहीं हो रही है, ये क्या चक्कर है? हाँ मे बी इसको हम डिप्लॉय करके ट्राई कर लेते हैं। github.com पे एक नई रिपॉजिटरी मुझे बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली। और एक शायद हमने बनाई थी रिपॉजिटरी, राइट? क्या नाम था उसका रिपॉजिटरी का? ई कॉमर्स करा डी वाला था शायद। ठीक है, एक रिपॉजिटरी बना लेता हूँ मैं। और इस रिपॉजिटरी को क्या करता हूँ, मैं क्लोन करके ले आता हूँ अपने। यार अपना लड़ा चाय तो ले आना, ऊपर जल्दी से लेना काफ़ी। अच्छा मैंने क्या किया, जो भी कुछ कोड मेरे पास लिखा हुआ था उसकी एक कॉपी बना के मैंने एक गिटहब की रिपॉजिटरी में उसको भेज दिया है। अब मैंने यहाँ पे से क्या करना है, इसको डिप्लॉय करना है साइक्लिक के ऊपर। तो मैं साइक्लिक खोल लेता हूँ। यहाँ पर पहुँची क्यों नहीं अभी तक यार, ये क्या सीन है? यहाँ से तो जा चुकी है, वहाँ पहुँची क्यों नहीं है? पहुँच गया, सही हो गया जी। अच्छा मैंने कहा साइन इन, एक ऐप इसमें से डिलीट करनी पड़ेगी मुझे।
पे गिटहब का लिंक डाल दिया। अच्छा, ये मुझे इसने एक URL दे दिया, अच्छा सा प्यारा सा चुन्ना वुन्ना सा। और इसको मैं कॉपी करके एक नए टैब में ओपन करता हूँ जैसे ही, तो क्या होता है, जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ इस URL को, तो एक और मेरे पास एरर आ जाता है, जो कि तकरीबन सब लोगों के पास ये एरर लास्ट टाइम आया हुआ था। इसको भी हमने देखना था, इसको भी हमने सेट करना था, लेकिन चलो पहले इसको सेट कर लेते हैं फिर। ये एरर मेरे भाई इस वजह से आया हुआ था। भाई यहाँ पे गौर से देख लो, वरना ये समझ नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ पीछे बातें कर रहे हो ना, इसकी वजह से मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन कहीं और ही जा रहा है, बार बार तुम लोगों की बातों की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो यार मुझे कम से कम कॉन्सेंट्रेट करने दो, अगर तुम लोगों ने नहीं देखना है तो। और ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा, ज़रूरी नहीं है। सही है, मे भी हो सकता है आज की क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड ना करूँगा, फिर क्या करोगे, फिर रोगे सर आज तो रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड की, मैं क्या करूँ। मतलब देखो सही है, अभी मतलब बातें करते रहो आपस में, अभी मैं क्या बोलूँ। अच्छा नहीं, बैठने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, खड़े रहोगे तुम लोग सारे के सारे। अच्छा ये जो जैसे ही मेरी ऐप खुलती है ना, वैसे ही मेरे पास जो लिखा हुआ जाता है ना आपका, कि भाई इंक्लूड क्रेडेंशियल और एक्स वाई जी, इस तरह लिखा हुआ जाता है उस, वो इस वजह से हो रहा है कि मेरे पास एक्सप्रेस के ऊपर जो रिक्वेस्ट गिरती है ना, वो पाइपलाइन मैकेनिज्म से गिरती है। ठीक है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट जब यहाँ आती है, स्लैश की रिक्वेस्ट है, तो इस पर भी मैच नहीं होती, इस पर भी नहीं होती, इस पर भी नहीं होती, फिर वो इधर आती है, और इधर आके वो बोलता है कि भाई इधर तो टोकन इसमें है ही नहीं, चलो वापस जाओ। ठीक है, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, ये वाली जो बात है ना मेरी लास्ट पे, लास्ट में जो लिखी हुई है, अबे कहाँ चली गई वो वाली बात जिसमें स्टैटिक होस्टिंग इधर की हुई थी मैंने, वो है ही नहीं इसके अंदर। सही है, तो चलो फिर यहाँ से उठा के ले आते हैं, अगर नहीं है तो ये PWA वाले में तो होगी ना। अच्छा हमने शायद ये डिसाइड किया था कि हम जो फ्रंट एंड है वो कहीं और होस्ट करेंगे इस दफ़ा, हमने शायद ये डिसाइड किया था, क्योंकि सेम तो हम PWA वाले तक में करके देख चुके थे, हम क्रॉस साइट करने लगे थे इसमें, ऐसा शायद मुझे याद पड़ रहा है, ऐसा था क्या। हाँ मुझे याद आ गया, हम यही हमने डिसाइड किया था, इसी वजह से उसको मैंने रिमूव किया था, क्योंकि हम तो एक ही कोड लेके चल रहे हैं ना, एक ही कोड बेस लेके चल रहे हैं, तो मैंने उसको बाकायदा रिमूव किया था, इसी वजह से किया था कि हम अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस साइट इसको बनाएंगे हम। अच्छा इस वाले में भी नहीं है, ये PWA वाले में भी नहीं है, MongoDB भी करंट इसमें है। हाँ नहीं, सवाल ये है कि क्या मैंने किस पॉइंट पे उसको रिमूव किया, मैं ये भी तो देखना चाह रहा हूँ। क्रेड में वो कहीं नहीं लगा हुआ। अच्छा अच्छा चलो, तो उठा लेते हैं वहीं से, उठा लेते हैं उसको। ये वाली वो चीज़ है जो हमने उधर ऐड करनी है ऑब्वियसली। अच्छा एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस चीज़ को उठा के ऊपर ले आऊँ, कि भाई स्लैश की रिक्वेस्ट पे जो स्टैटिक फाइल भेजता है उसको मैं उठा के क्या करूँ, ऊपर रख दूँ टॉप पे, कि भाई पहले इस पे आ जाए, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो आगे आने वाली कुछ दूसरी रिक्वेस्ट के साथ भी छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि स्लैश ये जो app.use स्लैश है ना, ये हर रिक्वेस्ट के साथ हिट हो जाता है, तो
तो ये उनके साथ भी मसला कर सकता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि मैं क्या करूँ, मैं अपना जो API का जो URL है ना उसको चेंज कर दूँ। ठीक है, थैंक यू यार, ये इसके पैसे भी ले लो। दस वापसी आएंगे इसके, चलो मैं नीचे उससे ले लूँगा। ठीक है, तुम वापस नहीं आना, मैं नीचे ले लूँगा उससे। अच्छा, इसका बेहतरीन और जो ज़बरदस्त हल है ना, वो क्या कर रहा हूँ ये, मैं क्या कर रहा हूँ मॉडल, वो ये है कि मैं अपने जो URL है हमारा, जो वो स्टार्ट होता है किसके साथ स्टार्ट होता है, अभी फ़िलहाल वो डायरेक्ट स्टार्ट होता है ना, हम उसको डायरेक्ट इस तरह स्टार्ट ना करें, हम उसको स्टार्ट किससे करें, हम उसको /API से स्टार्ट करें, /API/V1/ हमारा एक्चुअल API। सही है, तो मैं Ctrl+D दबा के इन तमाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ इसके बाद, मैं कहता हूँ कि /API होगा पहले, /V1 होगा, उसके बाद स्लैश जो है ना स्लैश करके ही आगे की कहानी होगी। ठीक है, तो ये करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये करने से क्या होगा कि जब मेरे स्लैश की रिक्वेस्ट आएगी ना, तो वो इनमें से किसी में भी हिट नहीं होगी और इनमें से भी किसी में हिट नहीं होगी, लेकिन इधर तो ये अभी भी हिट हो जाएगी। तो मैं इस पर भी क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई /API/V1। ठीक हो गया, /API/V1। तो मैंने कहा भाई V1 के बाद वाली जो चीज़ है ना उसको आपने चेक करना है इस चेक पॉइंट पे, बाकी किसी पे भी आपने इसको चेक नहीं करना। सही है, अब मैं इसको क्या करूँगा, डिप्लॉय कर दूँगा, लेकिन डिप्लॉय करने से पहले मैंने एक काम और भी करना है, एक काम और मैंने ये करना है कि अब जो फ्रंट एंड से मैं हिट करूँगा तो वहाँ पे भी URL क्या करूँगा, मैं चेंज करूँगा। हाँ, ये अभी मैं बताता हूँ कि V1 क्यों लगा रहे हैं। बाई द वे, REST API का स्टैंडर्ड की वजह से लगा रहे हैं एक्चुअल ना, नहीं कुछ भी नहीं लगा सकते, ये इसी तरह होता है। होता क्या है कि भाई आप ना, जैसे अभी आपका जो डोमेन है वो sysborg.com है मिसाल के तौर पर, अब sysborg.com के बाद स्लैश करके डायरेक्ट कभी भी API नहीं बनाने की कोशिश करते हैं हम। सही, कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट कभी भी API ना बनाएं, हम लगाते हैं /API, या तो हम API के लिए ना डोमेन ही अलग खरीदते हैं, हम कहते हैं API.sysborg.com, लेकिन उसके बाद भी फिर हम /V1 भी हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, लाजमी चाहिए /V1, हमें लाजमी लगाना होता है। उसका रीज़न ये होता है कि हम जब V2 बनाएंगे ना API का, तो V1 को छेड़ना नहीं है ना, V1 अपनी जगह रहेगा, तो V1 की जगह V2 हो जाएगा, तो वो बिल्कुल एक अलग राउट होगा और उस पर बिल्कुल अलग चीज़ लगी हुई होगी। ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी API उठा कर देखो, कोई भी रैंडम API, जैसे ट्विटर की API उठाओ, ठीक है, ट्विटर APIs में अगर इन्होंने लगाया हुआ फ़ौरन से सामने URL, तो आप उसमें देखेंगे कि उसके URL में भी ना आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अरे भाई, पोस्टमैन कनेक्शन, क्लाइंट लाइब्रेरी, सैम्पल कोड में चलते हैं, वहाँ पे शायद हमें ये नज़र आ जाएगी। अच्छा, देख रहे हो, इसका नाम यही है, ट्विटर API V2 सैम्पल। ठीक है, कि V2 का सैंपल है ये, यूजर लुकअप की API में चलते हैं। अरे जावा में लिखा हुआ है उन्होंने, JavaScript में भी लिखा हुआ है, तो JavaScript वाला बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इनका URL होगा ना, उसको अगर तुम देखोगे तो पहली बात तो देखो, इन्होंने डोमेन ही अलग किया हुआ है, API.twitter.com किया हुआ है। सही है, और V1 V2 भी कहीं ना कहीं इसमें होना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। ये रहा बेस URL को चेक कर रहे हो तुम, API का एक तो डोमेन अलग किया हुआ है और V2 की जगह ना इन्होंने सिर्फ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 था पहले, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ठीक है, तो ये ट्विटर की API में भी इसी तरह हुआ है। अगर आपको मैं ओपन वेदर दिखाऊंगा तो उसमें भी यही है, openweather API.com। हाँ बोलो, हाँ वो V2 किस केस में बनाएंगे, अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं है। सही, अभी जो हम बना रहे हैं ना, पहली वो V1 है हमारा, यानी हमारा जो सर्वर अभी लिखा है हमने, वो V1 API है, हमारी API का पहला वर्जन है।
अब वी टू हम कब बनाते हैं, जब जाहिर है हमें नया फीचर कोई ऐड करना होता है तो फिर हम वी टू बनाते हैं। एपीआई अभी इसमें बेस यूआरएल कहाँ से आता है यार इसकी, में एपीआई डॉक्स में चलते हैं, ये रहा देख रहे हो बेस यूआरएल इसका क्या है। इन्होंने बोला api.openweathermap.com, सही है एपीआई हो गई, शुरू में डोमेन ही अलग किया हुआ इन्होंने, अदरवाइज स्लैश एपीआई लगाते हैं, लेकिन स्लैश के बाद भी इसने एक चीज लगाई हुई देख रहे हो डेटा, ठीक है तो स्लैश डेटा कुछ और होगा, स्लैश कुछ और भी लगाते होंगे साथ में। अच्छा V3 है इनकी API, देख रहे हो इनकी API जो है 3.0 है, और उसके बाद एक्चुअल API है वन कॉल भी है इसकी, कोई API पता नहीं, फॉरकास्ट की जिस तरह API है, बहुत सारी अलग अलग हैं इसकी। तो ये ना इस तरह ही होता है स्टैंडर्ड इसका इसी तरह से, तो मैंने ये जैसे ही कर दिया ना तो इससे मेरा स्टैंडर्ड को फॉलो हो गया एक तो पहली बात, दूसरा ये कि मेरा वो मसला हल हो गया जो वो था ना फंसा हुआ। अब मैं क्या करूँगा भाई, ये लोकल होस्ट 5001 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ वहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसको रिप्लेस मार दूँगा मैं /api/v1, सही हो गया, और मैं रिप्लेस ऑल करूँगा, ठक करके रिप्लेस ऑल हो जाएगा, ये मेरा मसला क्या हो गया इससे हल हो गया, मैंने फ्रंट एंड पे सब जगह API/v1 कर दिया। अल्टीमेटली तो वैसे भी मेरा ये कहाँ होगा, स्टोरेज के अंदर उसमें होगा, डेटा स्टोर के अंदर होगा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ। अच्छा पुश करने से पहले एक काम मुझे और करना होगा, ये जो बिल्ड का फोल्डर है इसको मुझे गेट इग्नोर से हटाना होगा, क्योंकि बिल्ड का फोल्डर अगर पहुँचेगा ही नहीं वहाँ पे, तो वो सर्व करेगा किस चीज़ को, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्ड के फोल्डर को मैंने यहाँ से हटा दिया और एक ताज़ा तरीन इसकी बिल्ड भी तैयार कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई cd wrap और एक npm run build, एक ताज़ा तरीन एक बिल्ड भी तैयार कर देते हैं ताकि अभी वाला डेटा चला जाए उस बिल्ड के फोल्डर में। ठीक है, क्रिएटिंग प्रोडक्शन बिल्ड, जैसे ही बिल्ड कंप्लीट होती है मैं उसको डिप्लॉय कर दूँगा। ठीक है, बिल्ड मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये सारी इमेजेस वगैरह एवरीथिंग, मैंने कहा न्यू बिल्ड और न्यू बिल्ड करके मैंने भेजा इसको, तो ये चला गया। ठीक है, अब जाके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकला है जो हमने इतना सारा काम किया है यहाँ पे। साइक्लिक पे मैं जाऊँगा डिप्लॉयमेंट्स पर, और डिप्लॉयमेंट पर जाके मैं क्या चेक करूँगा कि न्यू बिल्ड के नाम का जो डिप्लॉय है वो यहाँ पर आ चुका है कि नहीं आ चुका। ठीक है, न्यू बिल्ड के नाम का डिप्लॉय यहाँ पे आ चुका है। अब मैं जाके जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे फ्रंट पेज सही खोल देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्लान। सही हो गया जी, एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड किया मैंने, बिल्कुल सब कुछ सही है। अब हम वापस अपने ओरिजिनल इशू पे आ जाते हैं, जो हमारा इशू क्या था कि लॉग इन करते थे हम और वो लॉग इन हो जाता था, क्या हुआ इसको, अच्छा अब मुझे ना एक डिफरेंट एरर दे रहा है, कह रहा भाई ओके गॉट इट। अब मुझे एक ये दूसरा एरर दे रहा है, कह रहा भाई ये तो क्लाउड पे आ चुके हो, आप अभी भी लोकल सर्वर क्यों हिट कर रहे हो, आप अभी तक अभी ये लोकल सर्वर हिट हो रहा है। तो मुझे सबसे पहला अब काम एक और क्या करना है कि ये जो मेरा बेस URL है ये सब जगह जो अलग अलग लगा हुआ है ना, इसको एक जगह करना है और इसको कंडीशनल बनाना है। एक जगह करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने पास जाऊँगा इधर कॉन्टेक्स्ट API में, कॉन्टेक्स्ट API नहीं एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा मैं, और मैं बोलूँगा भाई बेस URL के अगेंस्ट मैं क्या लगाऊँगा, एक टर्नरी ऑपरेटर, एक टर्नरी ऑपरेटर लगाऊँगा मैं। और ये हम कैसे कंडीशनल बनाते थे, कहीं पर हमने लास्ट बनाया था शायद, हमने लास्ट कौन सी क्लास में ये कंडीशनल बनाया था, किसी को याद है, क्रड ऑपरेशन में बनाया था, क्रड ऑपरेशन का जो पहला वाला हमने किया था उसमें था शायद ये, हाँ ये हमने बनाया हुआ शायद,
नहीं यार नहीं बनाया हमने, स्टैटिक में ही था वो भी। इसमें हम सर्च कर लेते हैं ना, विंडो डॉट यू आर एल करके कुछ हमने रखा था, विंडो डॉट यू आर एल। विंडो डॉट नेविगेटर डॉट यू आर एल ये था, क्या था याद है किसी को क्या था वो? विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रफ था। सही है, अब ये विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रफ इस पूरे जो हमारा क्लास का कोड है इस पूरे कोड में कहीं पे भी होगा, मैं इसको सर्च कर सकता हूँ ऐसे करके। सही है, अबे ये तो कुछ और ही लिया है। इसमें सर्च करते हुए ना मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। मैंने कहा भाई सिर्फ SRC को करो आप इंक्लूड, ये रहा, ये पता नहीं कौन सी जगह पे किया हमने, बारह लिए सर्च करके मैंने इसको निकाल लिया है। ठीक है, अच्छा देख भी लेते हैं, रिएक्ट वेदर ऐप के अंदर हमने ये वाला काम किया। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ऐसे बेस URL होगा और इफ़ करके मैंने ऐसे लगाया था। ठीक है, तो अपने इस कोड में भी हम सेम काम कर लेते हैं, बट हम इफ की जगह क्या करेंगे, हम टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई बेस URL क्या होगा, अगर विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ को स्प्लिट मारूं मैं इससे, और अगर वो HTTP हो तो क्या करो, लोकल होस्ट 5000 है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, अदरवाइज खाली होगा। ठीक है, खाली होने का मतलब ये कि जिस सर्वर पे खड़ा हुआ है उसी से ही वो हिट कर रहा होगा उसको। ठीक है, अच्छा अभी हम क्रॉस ओरिजिन वाला काम नहीं कर रहे, अभी हम उस आइडियोलॉजी पे आ गए कि सेम सर्वर पे सेम होस्टिंग होगी तो उसमें ये बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरे URL में HTTP मौजूद है, HTTPS नहीं है, तो HTTP वाला करो, लोकल है इसका मतलब है, और अगर HTTPS है तो खाली छोड़ दिया मैंने, खाली छोड़ने का मतलब है कि स्लैश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जिस URL पे है उसी URL पे ही जाएगा। अच्छा, अब ये बेस URL यहाँ तो बन गया, लेकिन अब जहाँ जहाँ पे मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ था बेस URL को, वहाँ वहाँ पे मुझे जाके क्या करना होगा, state.url कॉल करना होगा। तो मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये तीन जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, तीनों जगह पे जाके मैं बारी बारी ये काम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बेस URL है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, state.base URL कर दूँगा इसको। सही है, state.base URL, स्टेट यहाँ पे बना हुआ है इसमें, बिल्कुल सेट है, बेहतरीन है। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, state.base URL, state.base URL, और what? सही हो गया। अब ये तीसरा एक रह गया हमारे पास, आखिरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो जहां जहां पे मेरे पास URL फ्रंट एंड से हिट होता था ना, मैंने वहां वहां पे क्या कर दिया है, कंडीशनल भी बना दिया है उसको, और ना सिर्फ कंडीशनल बना दिया है बल्कि मैंने उसको मेरे कॉन्टेक्स्ट API में लाके सेव करवा दिया ताकि वो सब जगह से एक जैसा हिट हो रहा हो। अच्छा, मैं इसको अब दोबारा क्या कर देता हूं, कंडीशनल URL करके मैं इसको हिट कर देता हूं दोबारा से, और मैं साइक्लिक पे जाके अब इसके यहाँ पहुँचने का वेट करता हूँ।
बिल्ड नहीं चलाई थी मैंने, बिल्ड नहीं चलाऊंगा तो फ्रंट एंड का कोई भी जो चेंज था वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अच्छा असूलन ये जो बिल्ड चल रही है ना ये CI/CD पे होना चाहिए मेरे, मतलब मैं ऐसी स्क्रिप्ट लिखूँ कि NPM स्टार्ट से पहले वो ये बिल्ड खुद रन करे, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वन स्टेप एट अ टाइम हम करते हैं। न्यू बिल्ड का बटन दबा दिया मैंने और इसको दोबारा से पुश कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं न्यू बिल्ड वाले कंडीशनल URL तो यहाँ पहुँच चुका है, न्यू बिल्ड वाला यहाँ पे पहुँचे उसका हम वेट करेंगे। स्लो क्यों होगा? हाँ नहीं ऑनलाइन होगा तो स्लो होगा तो क्या होगा, दो चार सेकंड ज़्यादा ले लेगा वो। एक ही बार होगा, GitHub में वो एक्शंस लिखे हुए होंगे मेरे, GitHub में जैसे ही पहुँचेगा एक्शंस लिखे हुए होंगे, वो उसको बिल्ड मार देंगे, बिल्ड मार के उसके बाद उसको जो है ना आगे करेंगे वो। सही है, जो रिफ्रेश किया मैंने न्यू बिल्ड यहाँ पहुँच चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, सॉरी हाँ नहीं बंद नहीं करना होगा फिर, ये बिल्ड तो हमेशा गिट इग्नोर में रहता है, ये तो मैंने अभी वक्ती तौर पे उसको गिट इग्नोर से हटाया ताकि वो सीधा सीधा अंदर हो जाए, ठीक है। एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड किया मैंने और एम्प्टी कैशे हार्ड रीलोड करने के बाद अब ये क्या कह रहा है मुझसे, कैन नॉट गेट स्लैश। अबे अब क्या कर दिया मैंने इसके साथ, वेब स्लैश बिल्ड है ना, सही तो है। अच्छा इसके डिप्लॉयमेंट में शायद कोई एरर आ गया, इसके लॉग्स देखने पड़ेंगे क्या हुआ। ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ने फेल टू स्टार्ट, तो हमें एक्चुअली क्या करना होगा, इसको वो करना होगा, इसको रीडिप्लॉय करना होगा मे बी। हाँ इसको ना रीडिप्लॉय करना होगा, ये किसी वजह से जो है वो फेल टू डिप्लॉय हो गया। अब ये डिप्लॉयमेंट के नीचे लॉग्स हैं, यहाँ पे कोई एरर आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये एरर है। सही है, इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई हमारे पास से बिल्कुल सही डिप्लॉय हो गया। npm run start script define in package this code one। नॉट स्पेस सर्वर डॉट mgs जब लिखता हूँ मैं तो वो कह रहा है कि इसमें कोई एरर आ जाता है, लेकिन इसको पता भी नहीं चल रहा कि वो एरर है क्या। मैं एक काम करता हूँ ज़रा, ओके ये बिल्ड चलाते हुए ही मेरे पास एरर आया है एक्चुअली, मेरे पास ना ये बिल्ड चलाते हुए भी एक एरर आया है और वो मैंने देखा नहीं है अभी। अच्छा ये कौन से पे है भाई, signup.jsx के किसी लाइन नंबर पे ना एक एरर आया है, मे बी वो इसी वजह से शायद आगे नहीं बढ़ पा रहा। signup.jsx के अंदर जो है वो, अच्छा इसमें स्टेट इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ एक्चुअली, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पे स्टेट डॉट तो मैंने लिख दिया है लेकिन इसमें स्टेट मैंने इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो इसलिए क्या हो रहा है इसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सीन पार्ट हो गया इसके साथ। तो मैं क्या करता हूँ signup.jsx में जाके जल्दी से इसका स्टेट मेनटेन करता हूँ,
और उसके बाद फिर इसको दोबारा से बिल्ड चलाता हूँ उसके बाद। ठीक है, दोबारा से मैंने बिल्ड चला दिया इसको। यूज़ कॉन्टेक्स्ट नहीं हुआ। हाँ राइट, एप डॉट जे एस एक्स लाइन नंबर 43 में एक और एरर है। लाइन नंबर 43। अच्छा, यहाँ पे अभी भी बेस यू आर एल ही है। सही है, स्टेट इनिशियलाइज है यहाँ पर, सेट है। अब चलाते हैं npm run build दोबारा। मैंने न्यू बिल्ड के नाम से दोबारा से चलाया। अच्छा, साथ साथ मैं एक दफ़ा अपने पास भी जो है ना npm स्टार्ट, ज़रा सर्वर को स्टार्ट करके देखता हूँ। अच्छा, सर्वर ही कह रहा है 5001 पे चल रहा है कुछ पहले से। सही है, तो मैं रोक देता हूँ इन दोनों को। सही है, मेरे पास तो सही चल गया सर्वर, वहाँ भी सही चल जाना चाहिए होपफुली। सही जी, यहाँ पे ये पहुँच चुका है और डिप्लॉय भी हो चुका है। सही है, अब हम दोबारा आके ज़रा इसको चलाने की कोशिश करते हैं फाइनली। चला भाई, अब आगे बढ़ा। सही है, अभी आगे बढ़ चुका है और ये इस वक्त लॉगिन फॉर्म में है। लॉगिन फॉर्म में पता नहीं क्यों है, यही एरर आ रहा है। अच्छा, मैं नेटवर्क में देखता हूँ, प्रोडक्ट्स इसने मंगवाई है तो प्रोडक्ट्स में 301 आ रहा है। 301 का मतलब होता है नॉट चेंज्ड। अच्छा, तो हम अपनी लॉजिक पे गौर करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, असल में ऐप डॉट जे एस एक्स, जो दोस्त ने सवाल भी पूछा था कि सर ये ऐप डॉट जे एस एक्स जैसे ही शुरू होता है तो ये गेट प्रोफाइल आपने क्यों किया है, तो वो गेट प्रोफाइल इस वजह से किया है कि वो चेक, अगर गेट प्रोफाइल जब ही होगा जब यूज़र होगा मेरे पास, अदरवाइज़ वो गेट प्रोफाइल नहीं चलेगा। तो मैंने जस्ट ये किया हुआ है कि गेट प्रोफाइल में ना अगर उसका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया तो बोलो आपके यूज़र लॉगिन है। ठीक है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स डज नॉट मीन के डेटा है। ठीक है, यहाँ पे इस केस में ना 301 रिस्पॉन्स आ रहा है। 301 का मतलब होता है कि भाई ये चेंज नहीं हुआ, जो था ना ये वही है। इस पर अगर मैं थोड़ी देर हाथ रखूँ ना तो ऐसे ही लिख लेते हैं अलग से, HTTP कोड 301, इसका मतलब होता है नॉट चेंज। अच्छा नहीं, मूव्ड परमानेंटली इसका नाम है,
मूव हो चुका है परमानेंटली, ठीक है। अच्छा ये मूव परमानेंटली, ओके गॉट इट। ये मूव परमानेंटली इसलिए बता रहा है कि स्लैश प्रोडक्ट्स की इसमें रिक्वेस्ट जा रही है एक्चुअली, ठीक है, जबकि स्लैश प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट नहीं जानी चाहिए। रिक्वेस्ट कौन सी जानी चाहिए? स्लैश एपीआई स्लैश वी वन, उसका भी मुझे यहाँ ख्याल रखना था जो कि मैंने नहीं रखा, सही है, उसका आ जाते हैं, ख्याल रख लेते हैं ज़रा जल्दी से उसका। तो मेरे अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना यहाँ पे क्या सिचुएशन है मेरे पास कॉन्टेक्स्ट में कि अगर तो HTTP है तो मैंने क्या रखा हुआ है, लोकल होस्ट 5001, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्लैश API स्लैश V1 होना चाहिए ऐसे, ठीक है। और अगर मेरे पास जो है वो क्या है, अगर लोकल होस्ट नहीं है, मैं सेम URL पे कर रहा हूँ, तो भी मेरे पास स्लैश API स्लैश V1 यहाँ पे जब भी होना चाहिए, राइट, ताकि जब भी कोई बेस URL इस्तेमाल करे तो ये API V1 ऑटोमेटिकली उसको समझ आ जाए, ठीक है। तो ये मेरे बेस URL का पार्ट रहेगा ये वाला भी, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, एक और बिल्ड बनानी है क्योंकि मैंने फ्रंट एंड में चेंज किया है, और एक और बिल्ड बनाने के बाद बाय द वे हम ये बार बार जो बिल्ड हम बनाते हैं ना, ऐसा हमें करना नहीं होता एक्चुअली। ये हम इस सिचुएशन में इस वजह से पहुंचे हैं, वो जो लॉगआउट के बटन को हम फंक्शनल बनाने के चक्कर में ना हमने यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। ये बेस में इंक्लूड होगा, यस, नहीं बेस में इंक्लूड होगा। अभी हमने जो ट्विटर खोल के देखा था उन्होंने भी बेस में किया हुआ था इसको ना। V2 जब बनेगा तो फिर देखा जाएगा, V2 का फ्रंट एंड भी अलग होगा। यहाँ पे न्यू बिल्ड के आने का इंतजार करते हैं हम, और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये न्यू बिल्ड यहाँ पे आ चुका है, V1 लिख के मैंने भेजा था इस बार, और इसको मैं अगेन MT कैशे हार्ड रीलोड करता हूँ, ठीक है। 401 अब आ गया, सही है। अब की बार प्रोडक्ट्स में क्या आया, 401 आया है, क्योंकि अब की बार ये सही URL हिट हुआ है, जबकि पहले सही URL हिट नहीं हो रहा था। तो तुम्हारे पास भी जो तुम कह रहे थे ना सेम एरर आ रहा है, मे बी ये वाला प्रॉब्लम, चेक कर लेना, सही है। वेल फाइनली अभी मैं इसको देखता हूँ, कुकीज़ में मेरे पास टोकन वगैरह तो नहीं है, कुछ टोकन नहीं है मेरे पास कुछ, ठीक है। तो अभी लॉगआउट के बटन को फंक्शनल बनाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, क्या था भाई कौन सा मैंने बनाया था इसमें, ठीक है। साइन अप सक्सेसफुल हो गया, और अब मैं लॉगिन करने लगा हूँ इसी क्रेडेंशियल्स के साथ, ठीक है जी। लॉगिन किया मैंने, वेल लॉगिन इज सक्सेसफुल, अच्छा। सेम साइट मैंने स्टिल नन रखा हुआ है, जबकि इसको नन नहीं होना चाहिए, सेम साइट स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि मैं सेम साइट के ऊपर मौजूद हूँ। वेल नन पे भी इसको काम करना चाहिए, एक दफ़ा देख लेते हैं कि लॉगिन करने के बाद यहाँ कुकी सेव हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। कुकी बिल्कुल यहाँ पे सेव हो चुकी है, और अब हमने क्या करना है, हाँ क्या कह रहे हो, रिफ्रेश हो के इधर ही रहेगा, कहाँ जाएगा ये, क्या कहना चाह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, अच्छा नहीं नहीं लॉगआउट नहीं होना चाहिए रिफ्रेश पर, नहीं नहीं लॉगआउट नहीं होगा यार, लॉगआउट क्यों होगा, ये लो रिफ्रेश करते रहो इसको। वो उस दफ़ा रिफ्रेश में कोई शायद प्रॉब्लम आ गई थी, नज़र लग गई थी तुम्हारी, ठीक है। अब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो लॉगआउट नहीं हो रहा ये, ठीक है। इसको MT कैशे करके भी मैं दोबारा करूँगा तो ये लॉगआउट नहीं होगा। असल में वो होता ही है कि वो app.js लोड होती है ना जब, तो वो प्रोडक्ट्स पर रिक्वेस्ट मारता है, वहाँ से डेटा आ जाता है, तो उसको वो बोलता है कि सही है लॉगिन हो, ठीक है। अब हमें असल अब प्रॉब्लम ये है जो आज की क्लास में हम शुरू से जिस चीज़ में हम फंसे हुए हैं कि भाई लॉगआउट का बटन प्रेस करते ही जो है ना नेविगेट तो कर जा रहा है, क्योंकि वो तो मैंने राउटर से नेविगेट करवाया हुआ है, लेकिन कुकी को डिलीट नहीं करता वो, ये एक अजीब सी बात है, सही हो गया। अभी कुकीज़ को डिलीट क्यों नहीं कर रहा वो, ये हमारा सब में बड़ा मेन प्रॉब्लम है,
अबे हो गया डिलीट भाई। ये मुझे लग रहा है यही मसला था कि सर्टिफिकेट्स का मसला था। ये सर्टिफिकेट नहीं था तो इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वेल एक दफ़ा और इसको चला के देख लेते हैं भाई कि ये हिट एंड ट्राई में तो नहीं हो गया। जी टाइम हो गया हमारा, बस सही है फाइनली, बस अभी हम करके देख लेते हैं इसको। सर्टिफिकेट ये होता है कि जब आप HTTPS पे कहीं पे भी डिप्लॉय करते हो ना तो एक सर्टिफिकेट होता है, SSL सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये होता है वो सर्टिफिकेट, सही है, ये वो सर्टिफिकेट है। ये आपको किसने इशू किया है? ये आपको उसने इशू किया है, साइक्लिक वालों ने। इस पे चल रहा है अभी आपका हिसाब किताब, ठीक हो गया ना। अगर हम अपना खुद का घर पे सर्वर बनाएंगे तो ये सर्टिफिकेट हमें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, सही है, लॉगिन है, लॉगिन है। और अब मैं लॉगआउट दबाऊँ तो लॉगआउट हो जाना चाहिए इसको, सही है। रिफ्रेश करूँ तो लॉगआउट ही रहना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो लॉगआउट। तो फाइनली हमारा जो लॉगआउट का बटन है वो फंक्शनल हो चुका है, सही है। इसमें एक दो छोटे छोटे मसले और भी थे, अगर वो मुझे कोई याद दिला सकता है, क्योंकि मैंने दो तीन स्टूडेंट्स को ना लास्ट क्लास में पर्सनली वो बताया था। यार तुम लोगों को जो मैंने बताया था कुछ एक रहेगा ये बात, इसमें ये सब हो गया है। हमारा बेस URL कंडीशनल हो गया भाई, वो वहाँ तक पहुँच चुके थे इसलिए मैंने उनको पर्सनली बताया था, फिर भी नहीं हुआ। कौन कह रहा था ये फिर भी नहीं हुआ? वो मैंने उन लोगों को बताया था पर्सनली बैठ के, क्योंकि लास्ट तो हमने क्लास ही नहीं पढ़ी थी ना, तुम लोगों ने बनाया ही कुछ नहीं था, तो जिन लोगों ने बना लिया था वहाँ तक उस लेवल तक, तो उनको मैंने पर्सनली गाइड किया था ताकि वो अगर स्टक हैं तो वो बाहर आ जाए वहाँ से, ठीक है, और आगे बढ़ सकें। ओके एक नज़र मार लेते हैं इसमें ऊपर नीचे। हाँ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना हमारा, जो बहुत गौर से समझोगे तो फिर समझ आएगा, वरना फिर ऊपर से निकल जाएगा। वो बात ये है कि ये हम सारे राउट्स हमने जो एक फाइल में बनाए हुए ना, ये एक फाइल में नहीं होंगे, सही है। हमारी जो server.mjs की फाइल है वो इस वक्त कितने 400 लाइन की हो चुकी है, ठीक है। और अभी तो हमने सिर्फ लॉगिन साइनअप ही किया है, अभी तो क्रड ऑपरेशन भी प्रॉपर नहीं किया हमने, अभी तो क्रड ऑपरेशन भी प्रॉपर नहीं किया है। क्रड ऑपरेशन में जब कोई बंदा प्रोडक्ट को ऐड करेगा तो बकायदा हम उस प्रोडक्ट को उस बंदे के नाम के साथ ऐड करवाएंगे ना कि इसने ऐड किया है, ठीक है, और उसकी कलेक्शन में करवाएंगे। जब वो गेट करे तो उसी की कलेक्शन से लाकर देंगे, वो तो प्रॉपर अभी क्रड ऑपरेशन भी हमारा नहीं हुआ, सही है ना। तो ये तो बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी, और आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि हमारी एक फाइल जो है वो 1000 लाइनों से ज़्यादा ना हो, ठीक है, 1000 लाइनों के अंदर अंदर हम रखने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट पे हम लगाएंगे इसमें एक्सप्रेस का एक अदद राउटर, एक्सप्रेस राउटर लिखते हैं जरा हम, और ये एक्सप्रेस की राउटिंग हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भला, अबे क्या इन्होंने एग्जांपल बनाई है वाहियात। हाँ एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये हमारी एग्जांपल है जो हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे भला, एक हम बनाएंगे अलग फाइल, और ये तमाम के तमाम राउट्स को हम उस फाइल में मूव करवा देंगे। और वो बनेगी कैसे फाइल, वो फाइल कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, आ जाते हैं जी हम। और हम आने के बाद क्या करते हैं, ये मेरे सर्वर में होगा ये वाला काम, गौर से देखोगे तो समझ आएगा। और मैं यहाँ पे अपने सर्वर में आके एक नया फोल्डर बनाऊंगा, मैं इसका नाम क्या रखूंगा, मैं राउट्स, ठीक है, या APIs भी कर सकता हूँ मैं इसको, सही है, APIs भी रख सकता हूँ इसका नाम मैं। और APIs के अंदर जाके मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम क्या रखूंगा मैं, auth APIs मिसाल के तौर पर, सही है, auth.mjs, जिसमें मैं क्या रखूंगा, ऑथेंटिकेशन की सारी API मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। उसके अलावा मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, प्रोडक्ट APIs, product.mjs, प्रोडक्ट्स की सारी API मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा अपनी। ओ भाई इधर देख लो, समझ नहीं आएगा बाद में फिर बोलोगे सर पता नहीं क्या बता दिया था आपने। प्रोडक्ट की API सारी एक तरफ कर दी मैंने, ये एक तरफ कर दिया। अच्छा
अब ये ऑथ की ना लॉगिन साइन अप की एपीआई में इधर रखने लगा, एक तो एक्सप्रेस इधर रिक्वायर हुआ है, ठीक है, एक्सप्रेस हम इस तरह नहीं रिक्वायर करते, हम कैसे करते हैं एक्सप्रेस, हम ऐसे रिक्वायर करते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा भाई एक्सप्रेस ऐसे रिक्वायर होगा, फिर मैंने कहा कि कॉन्स्टेंट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, हम पहले एक्सप्रेस की ऐप को डायरेक्टली इनिशियलाइज करते थे, लेकिन अब की बार मैंने कैसे किया है, कॉन्स्टेंट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, राइट। अच्छा, लास्ट में इसको मैंने एक्सपोर्ट किया, ई एस सिक्स का एक्सपोर्ट ऐसे नहीं होता, ठीक है, ई एस सिक्स का एक्सपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउट, नहीं इसको तो शुरू में ही लगा सकता हूँ ना मैं एक्सपोर्ट को, चलो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला कर लेते हैं। असल में एक्सपोर्ट होते हैं दो तरह के, सही है, एक होता है डिफॉल्ट, उसमें किसी भी नाम से लिखोगे तो सेम ही चीज़ आएगी, और एक होता है कि ब्रैकेट करके लिखना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे डिफॉल्ट वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि किसी भी नाम से करें तो मुझे मिले वो। अच्छा, अब बीच में देखो क्या चीज़ है, राउटर डॉट गेट राउटर डॉट पोस्ट करके ये काम होगा। अब मेरी जितनी भी एपीआईज है उसको मैं कैसे लाके रखूंगा, वो जो ऐप डॉट करके वहाँ लिखा हुआ है ना उसको मैं राउटर डॉट करके यहाँ पे लाके लगाऊंगा, ठीक है। सर्वर डॉट एम जे एस में गया, ये लॉगिन की जो हमारी तीन एपीआईज थी इसको यहाँ से पकड़ा, कट किया, सही हो गया, कट करके ऑथ डॉट एम जे एस में आया और यहाँ पे लाके उन तीनों को पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैं ऐप की जगह क्या लगाऊंगा, राउटर लगाऊंगा, ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट और एपीआई स्लैश वी वन और स्लैश ऐसे करके। अब वो तो कट हो गई, यहाँ आ गई, अब जब वहां पर रिक्वेस्ट आएगी तो उसको पता कैसे चलेगा कि आना इधर है, तो वहां पर भी मुझे बताना पड़ेगा कि भाई अगर क्या हो स्लैश एपीआई स्लैश वी वन करके कोई बात हो तो इधर भेजो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं बोलूंगा ऐप डॉट यूज, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश वी वन, अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट शुरू में अगर किसी रिक्वेस्ट के ऐसी बात लिखी हुई हो तो कॉमा डाल के आप क्या करोगे, आप बताओगे ऑथ राउट्स, ठीक है, यही था ना, ऑथ एपीआईज बल्कि कर देता हूँ, सही है, ऑथ एपीआईज, और ये ऑथ एपीआईज हैं कहाँ, ये ऑथ एपीआईज तो उधर है, उधर से मैं इसको क्या करूँगा, कॉन्स्ट ऑथ एपीआईज इक्वल्स टू इम्पोर्ट, सॉरी ये APIs slash auth dot mjs, अच्छा ये import ये बोलेगा ना टॉप पे करो, एरर देगा यहाँ पर, सही है, इधर कर दिया मैंने, तो ये auth की API जितनी की सारी किधर हो गई, ये इधर चली गई मेरी, और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई slash API slash v1 हो ना किसी भी शुरू में उसके, तो उसको इधर भेजो आप, auth API के अंदर भेजो। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्योंकि slash API slash v1 लगा दिया है, लिहाजा मुझे अंदर जाके ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसे प्लेन लगाऊंगा इसको, ठीक है। ये मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, ये मैं जस्ट ये कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ही पेज पे जो इतनी सारी हजारों APIs बनी हुई थी ना उसको मैं छोटे छोटे फाइलों में डिवाइड कर रहा हूँ सेपरेशन ऑफ कंसर्न की वजह से, सही है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न या मॉड्यूलैरिटी बोल लो इसको आप, मॉड्यूल्स बन गए। अभी मिसाल के तौर पर कोई बंदा अगर लॉग इन और साइनअप की API पे काम कर रहा है तो उसकी एक अलग फाइल है, ठीक है, वो उस फाइल में काम करेगा, वो उस फाइल में चेंजेस करेगा और उसके टेस्ट वो ही खुद ही लिखेगा। अभी तो टेस्ट भी हमने सोचा भी नहीं है कि टेस्ट होते ही हैं अभी तो तुम लोगों से इतना ही नहीं हो रहा, सारे खड़े हुए पीछे, सही है ना, तो ये अभी तो इसके टेस्ट भी लिखना हमने सीखने थे जो कि आपके कोर्स में कवर नहीं है, ये भी कवर नहीं है भाई, दबे ये तो मैं वैसे ही खुद से ही पढ़ा रहा हूँ, वो तो कोर्स आपका फायरबेस पे कंप्लीट हो गया था। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये JWT ये तो था ही नहीं, MongoDB भी नहीं था आपके सिलेबस में, तो अब मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे, सही है, तो मैं भी अभी कुछ सोचूंगा कि यार अभी ख़त्म करना है फटाफट इसको भी ना। अच्छा, तो पॉइंट मेरा क्या कहने का कि हम जस्ट क्या कर रहे हैं, मिनी राउटर बना रहे हैं ताकि अगर कोई अगर आपका डेवलपर उस लॉगिन और साइनअप की API पे काम कर रहा हो तो वो एक अलग फाइल में चेंजेस कर रहा हो, अदरवाइज क्या होता, सेम फाइल में चेंजेस करता, कॉन्फ्लिक्ट आता, सही है। अभी तो आप लोग टीम्स में आपने काम नहीं किया ना, अभी जब आप टीम्स में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही GitHub की रिपॉजिटरी होती है, तीन चार लोग उसी में चेंजेस अपनी अपनी पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे अभी से ही ग्रुप बना लें, जैसे तुम लोग दोनों ग्रुप बना रहे हो अगर तो इसको प्रैक्टिस करोगे, दो लोग अगर एक ही GitHub की रिपॉजिटरी में करेंगे तो कैसे काम करेंगे। वेल, तो ये हमने इधर इसको सेट कर दिया, साइड पर हो गया ये। अच्छा, अब मैं दूसरा जो products.mjs है ना, इसमें आके मैं क्या करूँगा,
यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, ठीक है। और मैं प्रोडक्ट का जो क्रेड था ना मेरा, वो सर्वर पे जाकर मैं क्या करूँगा इसको, यहाँ से मैं सारी प्रोडक्ट के वो मंजन उठाऊँगा, सही है, ऐप डॉट पोस्ट और ये दिस 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 एक्स वाई जी, इसको मैं ऐसे कट करूँगा, और कट करने के बाद मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट डॉट एम जी एस में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। सही है, और ऐप डॉट नहीं होगा, अब क्या होगा इसमें, राउटर डॉट होगा। राउटर डॉट हो गया, अब यहाँ पे मुझे एपीआई वी1 लगाने की जरूरत ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि मैं उधर से ही मेंशन कर दूंगा कि इसके बाद वाली ही रिक्वेस्ट यहाँ भेजना, उसके पहले वाली नहीं भेजना। अच्छा, अगर मैं यहाँ ये लगा हुआ छोड़ दूंगा ना तो क्या होगा, तो फिर ये उस यूआरएल पे रिक्वेस्ट, मतलब फिर ये समझेगा कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्लैश एपीआई स्लैश वी1, फिर स्लैश एपीआई स्लैश वी1, फिर प्रोडक्ट, तो फिर ये समझने लग जाएगा ये। लेकिन ये नहीं समझाना मुझे इसको, मुझे इसको समझाना है कि एक दफ़ा स्लैश एपीआई स्लैश वी1, एक दफ़ा, दो दफ़ा नहीं। सही हो गया, तो मेरी ऐप क्या हो गई, अब मजीद मॉड्यूलर हो गई। मेरा जो सर्वर डॉट क्या था एम जे एस का जो फाइल थी सर्वर डॉट एम जे एस की, वो क्या हो गई है, वो काफ़ी क्लीन हो गई है। लेकिन अच्छा, ये तो मैंने उसको नहीं लगाया ना अभी तक, सही है, यहाँ पे वो भी लगाना पड़ेगा ना मुझे, जो सेकंड वाला मैंने अभी प्रोडक्ट एपीआई, प्रोडक्ट एपीआईज, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रोडक्ट डॉट एम जी एस, राइट। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट एपीआई भी बतानी पड़ेगी कि भाई इधर प्रोडक्ट एपीआई भी है। भाइयों, अब इसको गौर से देखो और समझो ये कैसे काम कर रहा है। देखो, एक्सप्रेस के सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आती है वो पाइपलाइन मैकेनिज्म से आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जब रिक्वेस्ट आएगी ना, मिसाल के तौर पर स्लैश प्रोडक्ट्स पे गेट की रिक्वेस्ट आएगी जब, तो देखो होगा क्या, पहले वो इधर मैच होने की कोशिश करेगी यूआरएल, तो ऐप डॉट यूज़ में आधा यूआरएल भी मैच हो जाए तो वो उसके अंदर चला जाता है। तो अच्छा, क्या रिक्वेस्ट है, स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश प्रोडक्ट्स और गेट की रिक्वेस्ट है, तो वो इससे मैच हो जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा। अब इसके कंट्रोल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं, इसमें मैच होगा, इसमें मैच होगा, इसमें मैच होगा, लेकिन इन तीनों के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि मैच नहीं हो रहा। जब ये तीनों से मैच हो जाएगा ना, फिर कहाँ जाएगा ये, फिर ये लाइन नंबर 48 में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये इधर इधर आएगा, इससे मैच हो जाएगा, इससे मैच होने का मतलब है कि टोकन चेक किया जाएगा इसका, ठीक है, फिर उसके बाद इधर आ जाएगा और फिर इसके अंदर चला जाएगा, और फिर कंट्रोल क्लिक करके जब जाएंगे तो इससे मैच नहीं होगा, इससे मैच हो जाएगा, और यहाँ से उसमें रिस्पॉन्स वापस चला जाएगा। अगर इनमें से भी किसी से मैच नहीं होता जस्ट इन केस, तो फिर क्या होता, फिर वो लाइन नंबर 92 में आ जाता और ऑनवर्ड्स चलता है। इससे समझ रहे हो किस तरह चलेगा काम, बिल्कुल सेम ही उसी तरह करेगा जैसे ये पहले कर रहा था, लेकिन मेरी फ़ाइल की जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरे फाइल की, मेरे एप्लीकेशन की, वो बेहतर हो गई है इससे, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस ऐप को मैं चलाऊंगा ना, ये मुझे एरर दे देगा, सही है, एरर क्यों देगा कोई बता सकता है, राउटर इंस्टॉल नहीं है, राउटर तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्सप्रेस का पार्ट है ये, वो इसलिए एरर दे देगा कि ऑथ डॉट जे एस के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, अब यहाँ तो यूज़र मॉडल है ही नहीं। अगर इमेजिन करो कि मैं यूज़र मॉडल को उठा के यहाँ ला के बना दूँ, यहाँ ला के बना दूँ यूज़र मॉडल को, तो फिर वो ऑथ डॉट के अलावा वो प्रोडक्ट डॉट में भी यूज़ हुआ है, तो वहाँ नहीं मिलेगा, एक अलग फाइल बनेगी अब उसकी भी। ये जितने भी मॉडल्स स्कीमास जितने भी बने हुए हैं ना मेरे पास, इसकी भी क्या बनेगी, अब इसको मैं ऐसे करूँगा कट, और इसको मैं एक अलग फाइल में लेके जाऊँगा, और उस फाइल का नाम क्या होगा, मॉडल्स होगा, ठीक है। आमतौर पर इसको डीबी रेपो का नाम देते हैं, सही है, डीबी रेपो का नाम देते हैं, और इसमें हम क्या रखते हैं, फाइल का नाम मॉडल्स, मॉडल्स डॉट एम जे एस एक्चुअली, सही है, और मॉडल्स डॉट एम जे एस में लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, और मुझे यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करवाना होगा, तो मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट
प्रोडक्ट कॉन्स्ट भी लगेगा। सही है, ये मैंने कौन सा वाला एक्सपोर्ट किया है जिसमें बाकायदा प्रॉपर नाम लिखेंगे जब ही इम्पोर्ट होगा। सही है, उसके अलावा इम्पोर्ट नहीं होगा। सही है, प्रॉपर नाम लिखेंगे जब ही इम्पोर्ट होगा। अच्छा, इस फाइल में क्या चीज़ यूज़ हुई हुई है? मोंगोज, मोंगोज यहाँ पे है नहीं है, तो मुझे मोंगोज भी क्या करना होगा, यहाँ पे रिक्वायर करना होगा। मोंगोज कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सही है, तो मोंगोज मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है जो प्रोडक्ट मॉडल, या प्रोडक्ट मॉडल जहाँ जहाँ यूज़ होता है वहाँ वहाँ मुझे इसको इम्पोर्ट करवाना होगा, अदरवाइज ये मुझे नहीं मिलेगा। मैं auth.js में आया, और auth.js में आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इम्पोर्ट और फ्रॉम db repo/models.mjs। दो दफ़ा क्यों आ रहा है भाई? वेल, दो दफ़ा है, एक दफ़ा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा ना तो मुझे खुद ही बता देगा, यूज़र मॉडल कॉमा और क्या था, प्रोडक्ट मॉडल, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर ली। ये दोनों चीज़ें मैं अपना, दो था ना मेरे पास, एक auth.mjs, एक product.mjs में भी यही दोनों चीज़ें मुझे चाहिए होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद मैं सर्वर को एक दफ़ा चला कर देखता हूँ। सर्वर में मोस्ट प्रोबेबली अभी भी कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज अभी भी होंगे, तो मैं चला के देखता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए वो बात और मैं उसको इम्प्रूव कर लूँ। हमें चल गया भाई, सॉरी, कौन सा विजिट? हाँ, बिक्रिप्ट भी उसमें यूज हुआ हुआ है ऑब्वियसली। बिक्रिप्ट पता नहीं कैसे चल गया वो नहीं, एक्चुअली वो फंक्शन है ना, वो फंक्शन जब रन होगा तो वो एरर मारेगा, अभी नहीं मारेगा, जब ही तो टेस्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, तो बिक्रिप्ट मुझे कौन से वाले में चाहिए? मुझे जहाँ पे लॉगिन हो रहा है वहाँ पे चाहिए, और सही है यहाँ पे चाहिए मुझे, एक्चुअली मुझे सारी चीज़ें चाहिए ना, JWT भी मुझे चाहिए वहाँ पर, कोर्स नहीं चाहिए, पाथ नहीं चाहिए, मोंगोस लगा दिया मैंने वहाँ पर, JWT कुकी पार्सर नहीं चाहिए, ये यहाँ पे तो डिम हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे ये यूज़ ही नहीं हो रहा। सही है, और यही सारी चीज़ें मैं उधर भी लगा देता हूँ, जो आपका ये है ना product.mjs, उधर भी लगा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, बट ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रही हैं, तो ये डिम हो गई है, तो डिम होने का मतलब है यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ। वेल, तो अभी मैं वापस अपने कहाँ पर आ जाता हूँ, server.mjs की फाइल पर आता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये बिल्कुल क्या हो चुका है। अच्छा, ये सीक्रेट भी मुझे कहाँ चाहिए होगा, ये सीक्रेट मुझे वहाँ चाहिए ना, लॉगिन के पेज पे चाहिए मुझे ये, क्योंकि लॉगिन और उसको करते वक्त ना मुझे सीक्रेट की ज़रूरत पड़ती है, राइट? ये सीक्रेट आ गया। मैं वापस अपने सर्वर के पेज पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये बिल्कुल क्या हो चुका है, ये बिल्कुल ही सिंपल हो चुका है मेरा जो आपका ना ये है। अच्छा, ये जो मेरे पास MongoDB URI वगैरह ये सारी चीज़ें ना, ये भी कहाँ होंगी, ये भी उसी DB repo की फ़ाइल में होगी। सही है, DB repo के अंदर जो मॉडल्स की फाइल है ना, वहाँ पे होगा ये सारा कुछ, ये भी इधर नहीं होगा, इसको भी मैं ऐसे कट करूँगा और DB repo के अंदर लेके चला जाऊँगा मैं इसको। दूसरी फाइल भी बन सकती है, इधर भी रख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, फिलहाल के लिए शायद इतना ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको सेम फाइल में ही रख देता हूँ। तो मैंने कहा भाई DB repo के अंदर ही ये सारा कुछ रख दूँ। ठीक है, तो DB repo मैंने ये रखवा दिया, ये सब कुछ। अब देखते हैं क्या मेरा सर्वर अभी भी सही चल रहा है। ठीक है, अच्छा, MongoDB कनेक्टेड इस वजह से यहाँ पे फ़ौरन लिखा हुआ जाता है, क्योंकि जब भी किसी फाइल से कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो रही होती है ना, और किसी दूसरी जगह हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये फाइल पूरी एग्जीक्यूट होती है, तो ये फाइल पूरी एग्जीक्यूट होने की सूरत में क्या होगा, MongoDB कनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जब तक ये फाइल पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इससे कोई चीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकती, तो इसलिए MongoDB फ़ौरन खुद ही से कनेक्ट हो जाता है। अब हम वापस अपने सर्वर की फाइल में आते हैं, और हमारी सर्वर की फाइल टोटल 80 लाइनों की बच चुकी है।
ठीक है, 80 लाइनों की भी इस वजह से है क्योंकि ये वाला काम ना हमने अभी तक आउट इसको बाहर नहीं किया, ये जो चेक लगा हुआ है ना हमारा JWT का, इसको अभी तक हमने यहाँ से हटाया नहीं है। अगर इसको हटा देंगे तो शायद 20-30 लाइन का कोड बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने काफ़ी इसको शॉर्ट कर लिया है अपनी फाइल को, और इसको अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इसको वापस से पुश कर देते हैं। मैंने कहा कि भाई फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फोल्डर को हमने ऑर्गेनाइज किया है इस अच्छा फ्रंट एंड में, क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं की तो हमें बिल्ड दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया जी। सही है, तो अब एक बार हम इसको चला कर देखेंगे और चलाने के बाद फिर हम घर निकल लेंगे सब। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एरर तो नहीं है, ठीक है जी। इसको मैंने एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड किया, डायरेक्ट ही हमारा साइक्लिक पे रन हो रहा है, और कुकीज़ यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी है ऑब्वियसली, और मैं इसको अब लॉगिन का बटन प्रेस करता हूँ तो ये लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन होने के बाद इसमें जाके मैं क्या करता हूँ, ये क्रड ऑपरेशन हमने अभी तक परफॉर्म नहीं किया हुआ ना इसमें। अच्छा एक्चुअली ये अगर रिफ्रेश करना भी ये डैशबोर्ड पे आ रहा है ना, इसका मतलब है हमारा क्रड ऑपरेशन सही चल रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट लगती है ना जब ही, तो ये इसको समझ आता है कि ये लॉगिन हुआ हुआ है। तो ये प्रोडक्ट्स की जो रिक्वेस्ट लगी है ना, ये वाली /API/V1/products, और प्रीव्यू के अंदर ये पूरा प्रोडक्ट्स जितनी भी पहले से एडेड है वो आ रही है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा वो क्रड वाले जो 4 APIs थी वो भी सही चल रही है, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर है ना, ये 1, 2 और ये 3 और ये, तो एक्चुअली मैं इस वाले को हिट कर रहा हूँ, तो जब ही उसको पता चलता है कि अच्छा यार ये लॉगिन है, सही है। और वंस मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ अगर, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करने पर लॉग आउट ही रहना चाहिए और ये प्रोडक्ट्स में 401 आना चाहिए, जो कि इनवैलिड टोकन, मतलब इसका इनवैलिड टोकन है। ठीक है, अच्छा स्टिल हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टिल है, एक लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास ना स्टिल है, वो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि जब हम डिटेक्ट करते हैं कि इनवैलिड टोकन है, इफ नॉट एरर है ना, इफ एरर, अच्छा 401 जस्ट मैंने किया था यहाँ से। एक हमारे पास जो लास्ट चीज़ है ना वो ये है कि लॉग आउट की API को अभी भी हमने जुगाड़ पे चलाया हुआ है, और वो जुगाड़ क्या है हमारा कि हम इसको मतलब ऐसे करके चला रहे हैं, एक्चुअली हमें इसको 1 करके चलाना था और इसमें टोकन की जगह पे एम्प्टी स्ट्रिंग दे के चलाना था एक्चुअली, जो इनिशियली जिस तरह हम चलाना चाह रहे थे इसको। तो अब हम ज़रा इस चीज़ को भी लास्ट जो ट्राई दे देते हैं। मैंने कहा कि भाई लॉग आउट फाइनल कॉल, सही है भाई, ये फाइनल कॉल है, अगर इस कॉल पे ये नहीं आया तो बस ख़त्म है फिर इसकी कहानी। ठीक है, अब हम फाइनल कॉल के यहाँ पे आने का वेट कर लेते हैं। किसको नींद आ रही है, सही है भाई, फाइनल कॉल यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है जी, मैंने एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड कर दिया और इसको हम करते हैं अब लॉगिन। ठीक है जी, टोकन यहाँ पहुँच चुका है, अब हम इसको करते हैं लॉग आउट और टोकन खाली हो चुका है। सही है, अभी मेरा टोकन बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि टोकन हमारा जो उस वक्त ख़त्म नहीं हो रहा था वो क्रॉस साइट की वजह से नहीं हो रहा था,
ठीक है, स्टिल हमारे पास एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये तो सेम साइड पे तो ये काम कर रहा है, लेकिन जब मैंने सेम साइड नन किया है तो उसको क्रॉस साइड पे भी काम करना चाहिए, तो वो क्रॉस साइड पे क्यों नहीं काम कर रहा है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो ये वो वाले प्रॉब्लम्स हैं जो होपफुली आप लोगों के पास आए होंगे, उन सब का मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग लॉगिन साइनअप एटलीस्ट इतना ज़रूर बना लीजिएगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ, ऑब्वियसली कि भाई लॉगिन करके मैं रिफ़्रेश करूँ तो वो लॉगिन के पेज पर है, लॉगआउट करके रिफ़्रेश करूँ तो वो लॉगआउट के ही पेज पर है। इतना एटलीस्ट आप सब लोग कर लीजिएगा, साइक्लिक पर डिप्लॉय हो, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो, तो फिर आप लोग बैठ के क्लास लेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। हाँ, मेरी मर्ज़ी है, लेकिन हो सकता है मैं ना भी अपलोड करूँ।